wild goats of Pakistan. They are the important wild animals of the Pakistan. Goats, जिनको हम commonly बकरियाँ कहते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा species हैं जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलावा भी exist कर रही हैं. अगर हम overall इनकी distribution की बात करें तो these animals, they are ranging from Pakistan, present in the Iran, even the Turkey, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ममालिक में ये animals पाए जाते हैं. डेफिनेटली हर इन्वायरमेंट का एनिमल की जो बेसिक कलर है या जो आउटर सबसे कवरिंग होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. मगर इन जनरल दे आर एग्जिस्टिंग इन ब्राउन्स, देर मे बी सर्टन ब्लैक एंड वाइट पैचेज, देर आर सर्टन ब्राउन्स एंड वाइट पैचेज, क्रीमी कलरेशन. सो इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग. देयर कोट कम्स इन अ वैरायटी ऑफ क्रीम्स, ग्रेज एंड ब्राउन्स, बट देर मे बी मिक्सर एज वेल. Their horns are medium sized and curved backwards. इनमें जो horns हैं वो इनके sheep's के मुकाबले में, जो भेड़े हैं उनके मुकाबले में उतने बड़े नहीं होते. इनके बहुत छोटे छोटे से horns होते हैं जो comparatively जिनकी curvings उतनी ज़्यादा sharp and defined नहीं होती जिस तरह sheep's में होती हैं. They are vulnerable. This is the category that is defined by IUCN के उतने ज़्यादा लीस्ट कंसर्न नहीं है. मतलब उतना ज़्यादा ठीक है, दे आर अवेलेबल इन अ ह्यूज क्वांटिटी, बट अगर हम इनकी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या ओवरऑल इनकी रेंज की बात करें, पाकिस्तान में दे आर अबंडेंटली एग्जिस्टिंग, बट जो बाकी इसके कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा अबंडेंस नहीं है. वहाँ पर इनको और बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं जिनमें समटाइम्स वाइल्ड इन एनिमल्स को एज बुश मीट यूज़ किया जाता है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है which makes these animal in the vulnerable category. They are stockily built ruminants which are generally adapted to climbing in mountainous terrains. Again, short statured hain. Kuch animals well built bhi hote hain aur is tarah ka body texture design hua hua hai ya body is tarah ki built hui hai ki agar inko kisi rocky area mein bhi jana pade तो ये बहुत आसानी उस एरिया में चले जाते हैं. दे आर रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स में जो इनका स्टमक होता है दैट इज़ बिल्ट फॉर द हर्बीवोरी एक्टिविटी और दे कैन रीगर्जिटेट एज वेल. लाइक अगर आपने किसी एक्टिविटी में देखा हो या इसको रूटीन में ऑब्जर्व किया हो कि दे कैन टेक अप अ लॉट ऑफ फूड एट वंस. एक दफ़ा ग्रास बहुत ज़्यादा ले ली, एक दफ़ा अपना जो खाना है वो ले लिया और उसके बाद वो उसको स्टमक में ले जाते हैं. दे स्टोर देम एंड दे रीगर्जिटेटेड. वो बार बार स्टमक से दोबारा माउथ में आएगा, उसको दोबारा च्यू करेंगे, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से दोबारा माउथ में आएगा, फिर च्यू करेंगे, फिर वापस चला जाएगा. सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रीगर्जिटेशन, जिसको हम जुगाली करना कहते हैं. ये एक्टिविटी रूटीन में रूमिनेंट्स परफॉर्म करते हैं. सो ये जो शीप्स एंड गोट्स हैं ये बेसिकली रूमिनेंट्स कैटेगरी में आते हैं. बोथ सेक्सेस आर विद हॉर्न्स. फेशियल ग्लैंड्स आर एब्सेंट व्हाइल चिन्स ऑफ द मेल दे मे हैव बियर्ड. इट इज़ नॉट द केस ऑलवेज दैट हमेशा मेल्स में इतनी प्रोमिनेंट बियर्ड समटाइम नहीं होती, बट बियर्ड होती ज़रूर है, चाहे उसका साइज या जो उसकी जो क्या कहना चाहिए टफ्ट है हेयर्स का वो शायद उतना ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो, बट बियर्ड इज देयर इज ऑलवेज इन मेल्स. पिट ग्लैंड्स इन द फोर लेग्स वाइल बोनी कोर्स ऑफ द हॉर्न्स आर प्रेजेंट. Herd may contains as many as 20 goats in the wild. What does it means that these animals are social? ये भी बहुत ज़्यादा gregarious हैं, बहुत social activities हैं. They prefer to live in the groups. उसकी general reasons ये होती हैं कि animals अपने आप को protected feel करते हैं और जो इनका सबसे बड़ा group या herd देखा जाता है वो more than 20 animals भी हो सकते हैं. But minimally 15 to 20 animals they forms a group which is called herd और वहाँ पर उनकी movement comparatively easier hoti hai. In herds there is a dominant female throughout the year until the mating season. Yani jab mating season aayega usse pehle pehle tak sara saal jo female hai wo dominant member ke taur pe us herd mein exist kar raha hai, jabki jab mating season aata hai at that time the male becomes so dominant that it leads the group. Us waqt wo group ko lead kar raha hota hai. Many times male only live with few other males
और बाय देमसेल्व्स ये रनआउट। समटाइम्स मेल मेल का एक ग्रुप बना हुआ है, उस वक्त उनकी सोशल एक्टिविटीज, दे आर लिविंग इन द ग्रुप्स और इन इन दैट हर्ड, यानी हर्ड में हमेशा इस तरह नहीं है कि दैट शुड कंटेन्स अ फीमेल। समटाइम्स मेल्स का भी एक ग्रुप डेवलप हो सकता है जो जिसमें एक जो प्रोमिनेंट मेल है वो डोमिनेट कर रहा होता है और ग्रुप को लीड भी कर रहा होता है। विद रेफरेंस टू फीडिंग, जिस तरह वी हैव डिस्कस दैट दे आर रूमिनेंट्स, तो ऑब्वियसली दे आर हैविंग हर्बीवोरी एक्टिविटी, लाइक दे कैन ईट द ग्रासेस, और अगर इनको उस तरह ग्रासेस अवेलेबल नहीं होंगी तो ये जो लीव्स हैं या जो ट्रीज के लीव्स हैं उनको भी ब्राउजिंग एक्टिविटी से कैप्चर कर सकते हैं। गोट्स टिपिकली स्पेंड देयर डेज grazing on the grasses with their home range, which is an area of about 14 square miles or 23 square kilometers. Like apni home range ke andar rehte hue ye 20-25 kilometer usse dur jaakar feed kar sakte hain, usse zyada dur jaye nahi jate kyunki unka herd bhi usi area ke andar exist karta hai, usse zyada agar ye apni home range se bahar jate hain so sometimes wo apne herd ko lose kar dete hain aur phir dobara us जगह पर आना डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है।